हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल एसटीएसडी फंड में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आरआरबी एनटीपीसी में पूछे गए क्वेश्चनों के आधारित पर। हमने 50 क्वेश्चनों को चुना है, जिसमें से ये हमारा पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर एक है, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ होती? बोध गया। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ होती? बोध गया में। भगवान बुद्ध का बचपन का नाम था सिद्धार्थ। इनका बचपन का नाम था सिद्धार्थ। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर दो, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। क्वेश्चन नंबर तीन है, पंजाबी भाषा की लिपि क्या है? पंजाबी भाषा की लिपि गुरमुखी है। पंजाबी भाषा की लिपि क्या है? गुरमुखी। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? कन्याकुमारी। भारत का मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? कन्याकुमारी। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? भारत में सूर्य सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। भारत में सूर्य सबसे पहले कहाँ निकलता है? अरुणाचल प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर सिक्स है, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? इंसुलिन का प्रयोग मधुमेह के लिए होता है। मधुमेह के लिए क्या होता है? इंसुलिन का प्रयोग। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? असम। बिहू क्या है? असम का प्रमुख त्यौहार है। कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? विटामिन सी। विटामिन सी क्या मिलता है? आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है विटामिन सी। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेंटिक। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेंटिक। कागज का आविष्कार किसने किया? कागज का आविष्कार किसने किया था? कागज का आविष्कार चीन में हुआ। कागज का आविष्कार कहाँ हुआ? चीन में। हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनकी माता का नाम था महामाया। इनके पिता का नाम क्या था? गौतम बुद्ध के पिता का नाम सुद्धोधन था। ये शाक वंश के क्षत्रिय थे। इनको बुद्ध पूर्णिमा के दिन ज्ञान प्राप्ति हुई थी 29 वर्ष की अवस्था में। इन्होंने गृह त्याग कब किया था? 27 वर्ष की उम्र में। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति। भारत में सशस्त्र बलों का सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? विटामिन ए की कमी से क्या होता है? रतौंधी। विटामिन ए की कमी से क्या होता है? रतौंधी। विटामिन ए का क्या नाम है? रासायनिक नाम रेटिनॉल। पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? पोंगल तमिलनाडु का त्यौहार है। पोंगल किस राज्य का? तमिलनाडु का त्यौहार है। गिद्धा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं? गिद्धा और भांगड़ा किससे संबंधित है? पंजाब से। पंजाब के लोक नृत्य क्या हैं? गिद्धा और भांगड़ा। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत की सबसे पहली महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान। ये क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी के फर्स्ट फेज में पूछा गया। ये सारे क्वेश्चन किसी ना किसी शिफ्ट से रिलेटेड हैं और उन्हीं शिफ्टों के आधारित पर हमने ये पीडीएफ तैयार की है। और इन पीडीएफ में आप सबको जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये बार बार रिपीट होते हैं। आप सबको ज़्यादा उच्च लेवल की तैयारी की ज़रूरत नहीं है। एनटीपीसी में केवल आप कॉन्सेप्चुअल चीज़ समझिए। कॉन्सेप्चुअल चीज़ अगर आपको पता रहेगी तो आप एग्ज़ाम में 100% कर लेंगे। और ये चीज़ रिपीट होती है। ये भारत की मुस्लिम महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान। ये क्वेश्चन 3 बार आ चुका है, 3 फेज में पूछा गया है। ये 3 फेज में पूछा जा चुका है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 18 है, मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? गलफड़ों। मछली किसकी सहायता से साथ लेती है? गलफड़ों की सहायता से। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? मेरे प्यारे दोस्तों, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? भगत सिंह ने। क्वेश्चन नंबर 20 है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? 1919 अमृतसर में। जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? 1919 अमृतसर में। अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 1919 में। कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? अगर आप लोगों को इस क्वेश्चन का जवाब पता हो तो कमेंट में इसका आंसर जरूर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, सांडर्स की हत्या किसने की थी? सांडर्स एक अंग्रेज अधिकारी था। इसकी हत्या किसने की थी? भगत सिंह ने। इसकी हत्या किसने की थी? भगत सिंह ने की थी। 1857 के विद्रोह में सबसे पहले बलिदान किसने दिया? सबसे पहले बलिदान मंगल पांडे ने दिया था। सबसे पहले 1857 में विद्रोह में सबसे पहला बलिदान किसने दिया था? मंगल पांडे ने। मंगल पांडे को बैरकपुर में फांसी दी गई थी। मंगल पांडे को बैरकपुर में फांसी दी गई थी। भारत की सबसे पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजिनी नायडू। भारत की पहली महिला
महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू क्या थी? भारत की पहली महिला राज्यपाल थी। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26 है, माउंटेन एवरेस्ट पर दो बार चढ़ने वाली महिला कौन थी? संतोष यादव। माउंटेन एवरेस्ट पर चढ़ने वाली दो बार माउंटेन एवरेस्ट पर चढ़ने वाली महिला कौन थी? संतोष यादव। क्वेश्चन नंबर 17 है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसी थी? ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? राजा राम मोहन राय ने। क्वेश्चन नंबर 27, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम पूछा गया था, मूल शंकर। और ये 26 जनवरी को पूछा गया, 26 जनवरी 27 जनवरी शायद 27 जनवरी के चौथे सेट में पूछा गया था स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम। ये मूल नाम इनका क्या था? मूल शंकर नाम था। स्वामी दयानंद का नाम क्या था? मूल शंकर। वेदों की ओर लोटो का नारा किसने दिया? दयानंद सरस्वती ने। वेदों की ओर लोटो किसने दिया? दयानंद सरस्वती ने। वेदों की ओर लोटो नारा किसने दिया था? दयानंद सरस्वती ने। ये बार बार पूछा जाता है हर SSC 10+2 में पूछा गया था ये क्वेश्चन कि वेदों की ओर लोटो का नारा किसने दिया था। ऑप्शन था दयानंद सरस्वती, मूल शंकर, राजा राम मोहन राय या नन ऑफ दिस। इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही आंसर था दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती। क्वेश्चन नंबर 30 है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद ने। वास्को डिगामा भारत कब आया था? 1498 में। भारत की खोज की थी या भारत आया था? बहुत लोग इसमें कन्फ्यूज हो जाते हैं। आपको पता होना चाहिए कि वास्को डिगामा भारत आया था, भारत की खोज नहीं की थी। भारत आने के जल मार्ग की खोज उसने की थी। और जब वास्को डिगामा भारत आया तो वहाँ पर यहाँ के राजा ने उनका आदर सत्कार किया, अपने यहाँ पे उन्हें राजमहल में बुलाया और वहाँ पर उसका आदर सत्कार के साथ किया, वहाँ पर भोज करवाया। और भोज जब करवाया उसको तो उसमें सब्जी बनी थी, सब्जी बड़ी स्वादिष्ट लगी, क्योंकि यहाँ आपको पता है कि भारत उस समय मसालों के लिए बहुत प्रसिद्ध था, भारत मसालों के लिए प्रसिद्ध था। इसलिए जब वास्को डी गामा भारत से वापस जाने लगा पुर्तगाल, तब वहाँ के राजा ने उसको कुछ मसाले भेंट किए और वो मसाला ले जाके उसने पुर्तगाल में बेचा। जब वह पुर्तगाल में बेचा तो उसको बहुत ज़्यादा इनकम हुआ। इस प्रकार वह भारत से मसाले का आयात निर्यात करने लगा और यहाँ से कम दामे में खरीद करके और वो पुर्तगाल में बेचने लगा। इस प्रकार भारत यहाँ पे मसालों की खेती के लिए वहाँ से पुर्तगाल से बहुत सारे लोग आए और यहाँ पे पुर्तगाली कंपनी स्थापित की। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? वास्को डी गामा कहाँ था? वास्को डी गामा रहने वाला था पुर्तगाल का। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? पुर्तगाल का। वास्को डी गामा पुर्तगाल का रहने वाला था। क्वेश्चन नंबर 34 है, सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? गुरु नानक देव। सिख धर्म के संस्थापक कौन है? गुरु नानक देव। सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? बैसाखी। सिखों का प्रमुख त्यौहार बैसाखी है। लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? सरदार पटेल को। लौह पुरुष कहा जाता है सरदार पटेल को। नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता था? सुभाष चंद्र बोस। नेताजी कहा जाता है सुभाष चंद्र बोस को। दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री समाधि का क्या नाम है? विजय घाट। दिल्ली में स्थित लाल बहादुर शास्त्री का शास्त्री की समाधि का नाम विजय घाट है। महाभारत के रचयिता कौन थे? महर्षि वेदव्यास। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री ने। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री ने। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 43 है, संविधान सभा की प्ररूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। क्वेश्चन नंबर 24 है, विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है। विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। सूर्योदय का देश किसे कहा जाता है? सूर्योदय देश के लिए कौन सा प्रसिद्ध है? जापान। कौन देश सूर्योदय का देश के नाम किसे प्रसिद्ध है? जापान। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन है? गोवा। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन है? गोवा।
ओणम किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? केरल। ओणम किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? केरल का प्रमुख त्यौहार क्या है? ओणम। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? 1911 में। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? 1911 में। क्वेश्चन नंबर 49 है, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? 1911 में। सबसे चमकीला ग्रह कौन है? सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है। ग्रह से संबंधित क्वेश्चन और विटामिन से रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। हर शिफ्ट में विटामिन और ग्रह से संबंधित क्वेश्चन आते हैं, इस प्रकार आप विटामिन और ग्रह से संबंधित क्वेश्चन जरूर तैयार करें। क्वेश्चन नंबर 51 है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? ये सभी लोग जानते हैं, बाघ। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक राष्ट्रीय पक्षी कौन है? मोर। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? गंगा डॉल्फिन। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? आम। इस प्रकार आज का हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। हमारे डेली करंट अफेयर देखने के लिए डेली आप चर्चित मुद्दों जैसे कि नियंत्रण रेखा पर युद्ध विराम या चर्चा में रही सांभर झील या जो भी भारत के जितने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जो योजना लॉन्च की जाती है उन सब के बारे में विस्तृत जानकारी के लिए हमारा आइडियो लेक्चर ज़रूर सुने। हमारे आइडियो लेक्चर देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है।